डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट वाले में प्राइवेट में नहीं ना डिस्ट्रिक्ट सूचना मिली और क्या स्थिति है इसमें? देखिए आप लोग अवगत हैं, कुछ दिन पहले गाजियाबाद नोएडा कचहरी में पेशी के दौरान जो एक अंकित गुर्जर नाम का बदमाश लाया जा रहा था, ये भागा था और ये सुंदरभाटी गैंग का साफ शूटर है। विगत में भी इस पर 50,000 रुपये का इनाम रह चुका है और अभी भी ये 50,000 रुपये का इनामी था। आज पुलिस को जब सूचना मिली थी मुखबिरों के जरिए, पुलिस ने ट्रैप लगाया था जहां पर आज ये उस ट्रैप में आया और पुलिस ने जब इंटरसेप्ट किया इसकी गाड़ी को तो इसने पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जो फायरिंग की है उसमें करीब 2 से 3 गोलियां, अभी वो वेरीफाइड नहीं है, उसका इलाज चल रहा है, वो उसके जांघ में लगी हैं, वो घायल हुआ है। और इसका एक और साथी संजय गुर्जर जो हमने इसमें पकड़ा है, ये जो गुर्जर संजय गुर्जर है ये अशोक गुर्जर जो खुद में 50,000 का इनामी है उसका रिलेटिव बताया जाता है और ये भी सुंदरभाटी गैंग का एक शूटर है। तो ये नोएडा पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि अभी जो यहाँ पर पंचायती चुनाव हुए थे जिसमें कुछ आपराधिक तत्व भी लोग जिसमें प्रतिभाग जिन्होंने किया था उनके भी कुछ कैंडिडेट्स को ये लोग टारगेट पर रखे हुए थे और इस तरीके से हम लोग लगातार इन पर निगरानी बनाए हुए थे। वो आज नोएडा पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने पूरी टीम के लिए 50,000 रुपये का जो है इनाम अलग से घोषित किया है।